देखो इस क्वेश्चन को करना है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ध्यान देना। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई नाइन प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू रूट टू वाई बाई थ्री रूट टू माइनस टू की देखो वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखो अब यहां पर साइन इनवर्स के आगे जो नंबर है ना, देखो ये होना चाहिए माइनस वन और वन के बीच में। अब लेकिन देखो ध्यान दो, एक्चुअली ये स्क्वायर है पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है, तब जब दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये वैल्यू होनी चाहिए जीरो और वन के बीच में। ध्यान दो, देखो दूसरी बात, ये टर्म देखो, देखो ये टर्म कॉस इनवर्स के आगे है, इस टर्म को भी होना चाहिए माइनस वन और वन के बीच में। ध्यान दो, है ना, इस टर्म को भी होना चाहिए माइनस वन और वन के बीच में, इस टर्म को भी होना चाहिए माइनस वन और वन के बीच में। अब ये एक्चुअली पॉजिटिव है इसलिए इसको जीरो से वन तक कर दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो ये टू यहां ऐड कर दो तो x by 2 root 2 y by 3 root 2 ये हो जाएगा 1 से लेकर के 3 तक। देखो जरा ध्यान दो यहां पर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा पहले x square by a square plus y square by b square equal to 1, actually ये एक ellipse का equation होता है, ellipse का। तो देखो जैसे ये लेसर इक्वल टू वन है, लेसर इक्वल टू वन का मतलब हो गया एलिप्स के अंदर का पद, ए क्या है टू और बी क्या है देखो थ्री, देखो ये ऐसा कुछ है, देखो ये कुछ ऐसा एलिप्स है ना, देखो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर फोर है तो ए हो गया टू, बी स्क्वायर नाइन है तो बी हो गया थ्री। देखो इसका मतलब ये डिस्टेंस टू हो गया और ये डिस्टेंस थ्री हो गया, देखो ए और बी। ठीक है, देखो ध्यान दो ये क्या है, ये दो लाइंस के बीच का पार्ट है। देखो एक लाइन ये है एक्स बाई टू रूट टू वाई बाई थ्री रूट टू बराबर वन। ठीक, देखो एक लाइन ये है, ये कैसी लाइन है, इसका एक्स वाला इंटरसेप्ट टू रूट टू है, देखो यहाँ पे टू रूट टू और वाई वाला इंटरसेप्ट क्या है बोलो थ्री रूट टू, ऐसे कुछ है देखो ये, है ना, इसका एक्स वाला इंटरसेप्ट है टू रूट टू और वाई वाला इंटरसेप्ट कितना थ्री रूट टू। तो देखो ये लाइन कुछ ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके, है ना। अच्छा दूसरी लाइन देखो इसमें क्या है, एक्स बाई टू रूट टू वाई बाई थ्री रूट टू बराबर थ्री, थ्री से डिवाइड कर दें तो x by 6 root 2 y by 9 root 2 बराबर 1। देखो ये लाइन है, इसका इंटरसेप्ट 2 root 2 है, इसका 3 root 2। अच्छा इसके इंटरसेप्ट देखो और ज्यादा है, ये है 6 root 2 और ये क्या है बोलो 9 root 2, इसके इंटरसेप्ट देखो और ज्यादा है। अब देखो ध्यान दो ये जो लाइन है क्या ये एलिप्स को काटेगी या नहीं काटेगी, देखो हमें एक्स वाई चाहिए होगा, अगर एक्स वाई मिल गया तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो हमें चेक करना होगा कि ये लाइन इस एलिप्स को काटेगी या टच करेगी, क्या होगा इस बात को देखो हमें यहां पर चेक करना होगा कि ये लाइन, अब देखो ये लाइन तो और आगे है क्योंकि तो इसके इंटरसेप्ट क्या है बोलो 6 रूट टू और 9 रूट टू, तो ये लाइन तो देखो ऐसे बताया था ना मैंने आपको कि एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी बराबर वन अगर कोई लाइन है तो इस लाइन में क्या होता, देखो ये होता है ए यानी एक्स इंटरसेप्ट और ये होता है बी यानी कि वाई इंटरसेप्ट, ऐसे होता है ये लाइन का इक्वेशन। थोड़ा टफ क्वेश्चन है ना, कि दूसरे टॉपिक से इसका लिंक है, फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे अगर किसी बच्चे को एलिप्स वगैरह का आइडिया नहीं, तो बताया मैंने आपको ये एलिप्स का इक्वेशन होता है, ए डिस्टेंस ये होती है, बी डिस्टेंस ये होती है ना, और ये लाइन का इक्वेशन होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, तो इसमें x वाला इंटरसेप्ट a होता है, y वाला इंटरसेप्ट b होता है। देखो अब हमें ये चेक करना है कि ये जो लाइन है
और ये जो इलिप्स है क्या एक दूसरे को काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं? काट रहे होंगे तो एक्स वाई मिल जाएगा, और नहीं काट रहे होंगे तो कोई बात नहीं। देखो ये कैसे मालूम चलेगा, इन दोनों को सॉल्व करो। देखो दो इक्वेशन अपने पास है, इन दोनों को सॉल्व किया जाए, है ना। इन दोनों इक्वेशन को देखो हम आपस में सॉल्व करें, ठीक है। देखो एक इक्वेशन देखो अपने पास ये है, देखो एक इक्वेशन अपने पास देखो जो इलिप्स की है वो ये है, एक्स स्क्वायर बाई फोर वाई स्क्वायर बाई नाइन इक्वल टू वन। और देखो लाइन ये है, एक्स बाई टू रूट टू वाई बाई थ्री रूट टू बराबर वन, ऐसे देखो लाइन है। अब इन दोनों को सॉल्व करके देखो हमें एक्स वाई चाहिए, है इन दोनों को सॉल्व करके देखो हमें एक्स वाई चाहिए। देखिए हमें एक्स वाई मिलता है या नहीं मिलता, ध्यान दो, चेक करें आखिर हमें एक्स और वाई मिलता है कि नहीं मिलता। देखो सॉल्व कैसे किया जाए, एक काम किया जाए, देखो यहां से वाई निकाला जाए, ठीक है। देखो वाई निकाले यहां से, देखो ये से कट गया, y बराबर देखो क्या आ गया, 3 बाई टू टू रूट टू माइनस एक्स। देखो ये y की वैल्यू आ गई, है ना, y की देखो वैल्यू क्या आ गई, 3 बाई टू और टू रूट टू माइनस एक्स। देखो ये y की वैल्यू इसमें रखी जाए, एक्स स्क्वायर बाई फोर वाई स्क्वायर बाई नाइन इक्वल टू वन। देखो एक्स स्क्वायर बाई फोर वन बाई नाइन, देखो वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, नाइन बाई फोर और टू रूट टू माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वन। देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे नाइन बाई फोर इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फोर। देखो दोनों में आया, एलसीएम लेके इधर ले गए, फोर हो गया, है ना, अपॉन फोर आएगा, एलसीएम लेके इधर भेज दिया, इसका स्क्वायर करो तो एट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट टू एक्स बराबर फोर, है ना। देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस टू टाइम दिस इन टू दिस। देखो ये क्या हो गया, टू एक्स स्क्वायर फोर रूट टू एक्स प्लस फोर बराबर जीरो, टू से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस टू बराबर जीरो। देखो ये हो जाएगा एक्स माइनस रूट टू का होल स्क्वायर बराबर जीरो, बोलो ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो यहां से एक्स बराबर कितना मिल गया, रूट टू, एक्स की एक ही वैल्यू मिली। एक्स की एक ही वैल्यू क्या बता रही है कि दोनों टच कर रहे हैं, मतलब लाइन और इलिप्स दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ध्यान दो। एक्स की एक ही वैल्यू मिली, इसका मतलब लाइन और इलिप्स दोनों टच कर रहे हैं। ये एक्स की वैल्यू यहां रख दो इसी लाइन में, टू रूट टू, है ना, तो रूट टू बाई टू रूट टू प्लस वाई अपॉन थ्री रूट टू बराबर वन, दो कैंसिल हो गया, ठीक। तो y बाई थ्री रूट टू वन माइनस वन बाई टू तो क्या हो जाएगा, बोलो वन बाई टू, तो y क्या हो गया, थ्री रूट टू बाई टू। तो देखो ये y आ गया, मतलब तो कुछ ऐसा है यहां पर, जैसे ये अपना इलिप्स था ऐसे करके, और देखो ये लाइन थी, ये लाइन, और देखो ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अकेला है, मतलब देखो एक पॉइंट मिला, क्या पॉइंट मिला, रूट टू कॉमा थ्री रूट टू बाई टू। देखो हमें सिर्फ एक पॉइंट मिला, एक्स और वाई की सिर्फ एक वैल्यू मिली, और वो वैल्यू क्या है, वो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी वो लाइन इलिप्स को सिर्फ एक पॉइंट पर ही टच कर रही है बस। एक्स की देखो वैल्यू ये है, वाई की देखो वैल्यू ये है, यानी हमें सिर्फ अकेला एक्स और वाई मिला। देखो दूसरी लाइन थी वो तो और ऊपर थी, वो इसको नहीं काटेगी, वो जो यहां पर थ्री वाली लाइन थी ना, दूसरी लाइन देखो वो और ऊपर थी, इसका मतलब वो तो बिल्कुल नहीं कटेगी,
और ये लाइन इलिप्स को सिर्फ टच कर रही है एक पॉइंट पर, तो हमें इकलौता एक्स और वाई मिला। ये एक्स और वाई अगर हम यहां रख दें तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई की सिर्फ एक वैल्यू मिली। अब देखो ये एक्स और ये वाई यहां रख दिया जाए इस क्वेश्चन में, तो हमें पूरे फंक्शन की देखो वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान दो, देखो एक्स है रूट टू, देखो क्या हुआ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर मतलब टू बाई फोर वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, देखो ये जाएगा नाइन इंटू टू बाई फोर बाई नाइन, है ना, बोलो, और प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू रूट टू, एक्स रखोगे रूट टू तो वन बाई टू आएगा, वाई बाई थ्री रूट टू, है ना, तो y की वैल्यू रखोगे थ्री रूट टू बाई टू, है ना, तो सिर्फ वन बाई टू आएगा और माइनस टू ऐसे आएगा। देखो देखो ये है वन बाई टू, वन बाई टू तो साइन इनवर्स वन प्लस ये रहेगा कॉस इनवर्स माइनस वन, साइन इनवर्स वन कितना होता है पाई बाई टू, और कॉस इनवर्स वन देखो कॉस इनवर्स वन को निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे याद है, कॉस इनवर्स माइनस वन को लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स वन, है ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स वन कितना होता है जीरो, तो इसकी वैल्यू देखो पाई आ गई प्लस पाई, तो फाइनली आंसर क्या बन गया बोलो थ्री पाई बाई टू बन गया। देखो ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया थ्री पाई बाई टू, है ना। तो एक्स और वाई पहले निकालना पड़ा, आखिर ऐसा कौन सा एक्स वाई है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमने कई कॉन्सेप्ट को सीखा, थोड़ा सा एलिप्स हमें मालूम होना चाहिए, मैंने बताया भी था आपको, है ना, और इसमें कुछ खास नहीं है, बस हमें एक्स वाई निकालना था, एक्स वाई निकल आया, फिर हमने क्वेश्चन के आंसर को निकाल दिया। ठीक है, करो सब बच्चे ध्यान से।